Hello students of class 8. Good morning. I am Mallik sir. I am going to continue the revision of lesson 2, microorganisms and 4. I think today is the last lesson as far as this chapter is concerned. The reason of this chapter is concerned as ये last है इसलिए इस chapter के लिए और हम लोग गर्मी nitrogen साथ ही discuss कर रहे थे. इसमें दो point आपको मैंने बताया था, nitrogen fixation और nitrogen acidulation. तो modification आज हम लोगों का तीसरा point है. ठीक है, when plants and animals die, the proteins present in them are converted into ammonium compounds. तो जो मरे हुए जीव और जंतु में जब मरे हुए जीव जंतु जो प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें अमोनिया कंपाउंड्स में बाय प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोटीन्स उसके अंदर मरे हुए जीव जंतु के अंदर जो बने रहते हैं प्रोटीन बचे रह गए तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया के कंपाउंड्स में इसके द्वारा प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा और फंगी ये दोनों डिकम्पोजर्स हैं फॉन्ड उसके सॉइल में आपको मिलते हैं ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स इनटू अमोनियम कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन बाय decomposers like bacteria and purifying bacteria and fungi, right? So we can define ammonia. ठीक है, we can define ammonification as conversion of complex organic compounds like proteins into ammonia. This is ammonification. Now fourth is nitrification. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है अमोनिया अमोनियम सॉल्ट इन सॉइल इज कन्वर्टेड टू फर्स्ट नाइट्रेट्स है ना अमोनियम सॉल्ट जो है सॉइल में वो पहले कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्राइड्स में इसके द्वारा बाय नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया के द्वारा अमोनियम सॉल्ट इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइड्स एंड द नाइट्राइड्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स और ये नाइट्राइड्स उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं ठीक है किसके द्वारा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा एंड दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया और इन बैक्टीरियाज और मैंने आपको बताया नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इनको नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं द नाइट्रेट्स टू फॉर्म यहां तो नाइट्रेट्स बन रहा है So formed in the soil and once again soil में वो फिर से जो दूसरे plants grow करेंगे वो उसको use करेंगे और ये जो process है this is called nitrification ऐसे से आप कह सकते हैं एक natural method है soil में जो nutrients की कमी हो जाती है उसको पूरा करना दूसरा है फाइव डेंट्रिफिकेशन तो डेंट्रिफिकेशन में क्या होता है some of the nitrates और एब्जॉर्बर प्लांट्स कुछ नाइट्रेट्स प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स इन द सॉइल और बाकी जो है नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स सॉइल में कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड बाय सूडोमोनस बैक्टीरिया ठीक है सूडोमोनस बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन गैस में है ना और वो विच एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर जो उनके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है ये जो कन्वर्सन है नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन द कन्वर्सन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना सूडोमोनस इज कॉल्ड डेंट्रिफिकेशन दस नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन्स द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर राइट ये चैप्टर आपका खत्म हुआ रिविजन का चैप्टर था ठीक है अब इसके बाद जो चैप्टर रिविजन होगा जो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से ही होगा है ना पहले उसको करेंगे फिर बाद में दूसरे करेंगे ठीक है थैंक यू हैव अ नाइस डे